बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन वाइट बिरयानी रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत अप्रिशिएट करता है, तो चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चिकन वाइट बिरयानी बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर हाफ के जी चिकन ली है, चिकन अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 1 केजी चावल लिए हैं। साथ ही हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट बना लिया है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया लिया है, लेमन के कुछ स्लाइस कट कर लिए हैं और साथ ही हमने यहाँ पर फ्रेश पुदीना लिया है गार्निशिंग के लिए। अब 3 से 4 अदद हमने यहाँ पर अनियन लिए हैं। थोड़ा हमने मिक्स गरम मसाला लिया है। वन टेबल स्पून के करीब हमने अजीनोमोटो ली है। वन टेबल स्पून हमने कुटी हुई रेड चिली पाउडर लिया है। और 2 टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला लिया है। यहाँ पर हमने 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और साथ ही हमने यहाँ पर फूड कलर लिया है, जितना आप ऐड करना चाहें। और 1 कप के करीब हमने योगर्ट ली है। 2 से 3 अदद यहाँ पर हमने टमाटर लिए हैं और टमाटर को हमने गोल कट कर लिया है। तो ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑयल डाल लिया है, जिसमें हम अनियन डालेंगे। अनियन जैसे ही थोड़े फ्राई होने लगे, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, जब तक जो है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट का कच्चापन जो है वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमने इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया, पुदीना और लेमन के कुछ स्लाइस ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट जिस बाउल में था, उसे हम अच्छे से पानी डालकर निकाल लेंगे, ताकि जो पेस्ट है वो ज़ाया ना हो। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे।
अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब हम इसमें 1 कप योगर्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से इस मसाले की भुनाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है जितने चावल हैं उससे आपने डबल पानी ऐड करना है। मैंने इसमें नमक चेक किया तो थोड़ा कम था, तो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने थोड़ी देर भिगो कर रख दिए थे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया पुदीना गार्निश कर देंगे, साथ ही इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे ऊपर से। और अब हम इसमें थोड़ा फूड कलर ऐड कर देंगे अच्छा सा कलर आने के लिए। और अब हम इन चावलों को दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम दम खोल लेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी वाइट चिकन बिरयानी रेसिपी रेडी है। आज की मेरी ये शेयरिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा।